उमंग ये एक ऐसा सरकारी एप्लीकेशन है जिसमें 1000 से भी ज्यादा सर्विसेज दी गई है। इस एप्लीकेशन में आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, पुलिस से आप कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत सारी सरकारी स्कीम्स के बारे में भी आप इस एप्लीकेशन में जान सकते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सबके मोबाइल फोन में जरूर होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उमंग एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, जैसे कि हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, रजिस्टर और लॉगिन। आप यहां रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज दी गई है, या तो आप कैटेगरी वाइज कोई सर्विस फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी सर्विसेज आ जाएगी। यहाँ पर भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि अटल पेंशन योजना दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अटल पेंशन योजना में लॉग इन करके अपनी करंट होल्डिंग देख सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं और आप ई प्लान भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत पर क्लिक करके आप आयुष्मान भारत योजना की डिटेल्स यहीं पर ले सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कहां अप्लाई करना है, जिसको आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। भारत बिल पे पर क्लिक करके आप किसी भी तरह का बिल पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे बिल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप डीटीएच, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई लोन लिया हुआ है तो उसको रिपे कर सकते हैं। एजुकेशन फीस आप पे कर सकते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस आप पे कर सकते हैं और फास्टैग भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। बिल पे करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ रजिस्टर कंप्लेंट्स पर क्लिक करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगी तो आपको और भी सर्विसेज मिल जाएगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका मोबाइल फोन खोया गया है, गाड़ी चोरी हो गई है तो आप उसकी कंप्लेन यहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आप मिसिंग मोबाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स भर के सबमिट कर देंगे। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो आप उसकी भी कंप्लेन यहीं से कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट आप यहीं पर देख सकते हैं। ट्रैफिक से जुड़ी अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। डिजी लॉकर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी में आप यहां अकाउंट बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। ई कोर्ट सर्विसेज भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, यहीं से आप अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको ई कोर्ट सर्विस एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो आप ई पीएफओ पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको रिक्वेस्ट फॉर एडवांस COVID-19 का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको अमाउंट डालना है, आप टोटल 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो यहीं से आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पीएफ की पासबुक देख सकते हैं, आप क्लेम रेज कर सकते हैं, जो भी आपने क्लेम रेस किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आईएमडी पर क्लिक करके आप अपने यहाँ का मौसम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करंट वेदर पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पूरे भारत का नक्शा आ जाएगा। जिस स्टेट का भी आप मौसम चेक करना चाहते हैं आपको जस्ट उस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ से आप उसका मौसम चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप यहाँ माई पैन पर क्लिक करेंगे। न्यू पैन कार्ड के लिए आप यहाँ न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, EKYC, E-Sign और फॉर्म 49A फिजिकल। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप EKYC या फिर E-Sign वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको हैंड टू हैंड पैन कार्ड मिल जाएगा, जैसे कि हम E-Sign चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने गाइडलाइंस आ जाएगी, आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आप फिल करके सबमिट करेंगे तो आपको हैंड टू हैंड यही पैन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म 49A फिजिकल चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पूरी एप्लीकेशन फिल करनी है और इसको प्रिंट करना है।
प्रिंट करने के बाद इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको पैन कार्ड ऑफिस सेंड कर देने हैं। अगर आपको कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर क्लिक करके यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई सामान खरीदा और वो खराब निकल गया और दुकानदार वापस नहीं ले रहा है, या फिर दुकानदार MRP से ज्यादा रेट पर वो सामान परचेज कर रहा है, तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद आप यहीं पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से आप रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप स्कीम की इंफॉर्मेशन भी यहीं पर ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम सुटेबल रहेगी। अगर आपको रोड टैक्स फिल करना है, अपनी RC देखनी है, तो आप यहाँ परिवहन सेवा पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रोड टैक्स भी पे कर सकते हैं और आप यहाँ अपनी व्हीकल की RC भी देख सकते हैं, साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। PM केयर्स में अगर आपको डोनेशन देना है तो आप PM केयर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, या फिर आप यहां ऑनलाइन डोनेशन पर क्लिक करके ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां अबाउट पर क्लिक करके आप योजना के बारे में जान सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप यहां एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको कैलकुलेटर दिया गया है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानने के लिए आप यहां प्रधानमंत्री जनधन योजना पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन कराने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको भी आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जानना है तो उसके लिए आप यहां क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और साथ ही आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहां फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पर टाइप करेंगे पासपोर्ट, सर्च करेंगे तो आपके सामने पासपोर्ट सेवा आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप सेंटर लोकेट कर सकते हैं, आपके आसपास में पासपोर्ट का कौन सा सेंटर लगता है, फीस कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कौन से पासपोर्ट के लिए कितनी फीस देनी होगी, स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं, जिसके लिए यहाँ पर आपको डालना होगा पासपोर्ट ऑफिस, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ब्रेली। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और चेक पर क्लिक करेंगे। जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस ब्रेली में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं। यहीं पर आप डिजी लॉकर को भी लिंक कर सकते हैं, जिससे डिजी लॉकर के सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज भी आप यहां पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप पुलिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुलिस से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएगी। अगर आप पब्लिक ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे तो पब्लिक ग्रीवेंस से रिलेटेड सर्विसेज आपके सामने आ जाएगी। फाइनेंस पर क्लिक करेंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज आपके सामने आ जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।